सारे अखबारों के संपादकों को नाम याद हो गया, इतनी चिट्ठियाँ लिखता हूँ, आठ कॉलम का भेजता हूँ तो वो चार कॉलम में छापी देते हैं कुछ, और मुझे 750-800 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। तो अगर केवल नाम से है तो नाम तो बहुत लोगों को मेरा पता लग गया होगा, अब मुझे शक्ल भी याद करानी है अपने दिल में, तो इसलिए मैं टीवी में आना चाहता हूँ और इसलिए मैं जन्मजन करने के लिए आता हूँ, यहाँ पर कोर्स करने के लिए। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जवाब पे क्या प्रतिक्रिया होगी, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा था, बड़ी पॉजिटिव प्रतिक्रिया मिली। उन्होंने कहा चलो एक आदमी तो है जिसने सच बता दिया कम से कम, बाकी सब तो यह समाज ही बदलने आए, खुद को बदलने को तैयार है। ये लेसन था उसमें मेरा सबसे पहला पत्रकारिता किया, और उसके बाद से मैं आपको सच बताऊं, मैं मान के चलता हूं कि मैं पत्रकार हूं, मैं भी जब आपके साथ हो तो मैं स्टूडेंट, टीचर्स के साथ होता हूं तो टीचर हो जाता हूं, स्टोरी प्रोड्यूसर के साथ होता हूं तो स्टोरी प्रोड्यूसर हो जाता हूं, प्रोग्राम प्रोड्यूसर के साथ होता हूं तो प्रोग्राम प्रोड्यूसर हो जाता हूं, प्रोग्राम डायरेक्टर के साथ होता हूं तो प्रोग्राम डायरेक्टर हो जाता हूं, स्टोरी एडिटर के साथ बैठता हूं तो स्टोरी एडिटर हो जाता हूं, और स्टोरी टेलर बनना होता कहीं तो स्टोरी टेलर ही बन जाता हूं। मुझे लगता है कि आज के दौर में जहां बिजनेस हाउसेस टेलीविजन चैनल चलाते हैं, जैसे किसी दुकान में साबुन तेल गंगा तौलिया टूथपेस्ट टूथब्रश कपड़े बेचने वाला सेल्समैन होता है ना, वैसे टीवी चैनल में हम लोगों की भी स्थिति है, जिस दिन जो होता है उसमें बेचते हैं, और खासतौर पर चुनाव उनाव के दिन तो आप देख लीजिए तो हर चैनल पे आपको ऐसे लगेगा तीन चैनल एक साथ करके बैठी, जैसे आप सब्जी मंडी जाते हैं केले वाले चिल्ला रहे होते हैं, एक कह रहा था केला 12 रुपये का दर्जन, एक कह रहा था केला 12 रुपये के बारे, दोनों एक ही प्राइस दे रहे हैं, एक ही चीज़ दे रहे हैं, एक ही जैसा केला है लेकिन बेचने का तरीका अलग है। तो आज की तारीख में हम लोग जो कर रहे हैं वही कर रहे हैं, हम लोग सामान बेच रहे हैं, अब हमारा सामान वो तेल कंगा साबुन टूथपेस्ट नहीं है, हमारा सामान समाज में हो रही घटना, समाज में जो जो चीज़ें हो रही हैं वो किस रूप में लोगों तक पहुंचाई जाए, एक उनको उनको जानने में इंटरेस्ट दिया है पहला, दूसरा उन्हें उससे जानकारी भी बढ़े, तीसरा उनका कॉन्फिडेंस बढ़े उसको जानकारी को हासिल करने से, और चौथा वो कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद वो जानकारी उनके ताकत के तौर पर काम आए, और पाँचवा अगर हम इन चीज़ों के जरिए से समाज में बदलाव की दिशा में कोई काम कर सकते हैं, कदम उठा सकते हैं, तो वो कदम हम या तो खुद उठाएं लीड करें, या फिर जो समाज के लोग जिनको हमने जागरूक कर दिया जानकार बना दिया वो अपने हिसाब से उस दिशा में आगे बढ़े बदलाव लाए। तो आप समझ रहे हैं कि अगर कोई पत्रकार बदलाव लाना चाहता है समाज में तो वो सीधे ये नहीं है कि जर्नलिज्म का कोर्स किया अपने बदलाव लाने के लिए मैदान में उतरता, न जर्नलिज्म का कोर्स करने का बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती, पहले तो आपको अपने आप को इस लायक बनाना पड़ेगा ना कि लोग आपकी बात सुने, तो स्वामी 15 साल पहले भी थे जर्नलिज्म, 20 साल पहले भी थे, 1998-99-2000 में भी एंकरिंग कर रहे थे वो NDTV पर, तो देखा था, तो जाना था, कोई पूछ रहा था नहीं पूछा, आज वो अगर कह देते हैं कि जो लोग देश के खिलाफ पत्रकारिता कर रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए तो देश में हंगामा मच जाता है, उन्होंने तो नाम नहीं लिया किसी का लेकिन हंगामा मच जाता है कि अरे हमें जेल में डालने के लिए, यानी कि वो स्थान पर आ गए जहाँ से कोई उसकी बात सुने उस पर गौर करे और फिर उस पर रिएक्ट करे, वरना आप ये देखिए कि आज की तारीख में हम कितने टीवी चैनल्स के साथ कॉम्पीट कर रहे हैं, आपको 5, 7, 10 अगर मैं लिखने को कह दूँ तो 10 के नाम याद होंगे, बहुत कोई ज़्यादा टीवी का कीड़ा होगा देखने का जिसको तो वो 15 लिख देगा, किसी ने 2-4 के चक्कर काटे होंगे अपनी सीवी लेके तो उसको शायद 18 याद आ जाएंगे, लेकिन आप यकीन मानेंगे 225 न्यूज़ चैनल चल रहे हैं जिस दिन वहाँ कितनी गलाघाट प्रतिस्पर्धा हो, कितनी लड़ाई होगी, कितना कॉम्पिटिशन होगा इस बात के लिए कि दर्शक को मेरा नाम याद हो जाए, कम से बाहर निकलो तो कम से कम उसे ये बताना नहीं पड़ेगा कि मेरा नाम क्या है, बाहर निकलो तो लोगों को पता हो कि ये आदमी जो जा रहा है ये वो है जो उस चैनल पर आ रहा है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, 2000 में मैंने काम शुरू किया था, आज 16 साल हो गए, आज भी वो स्थिति आई नहीं है, आज भी कहीं बाहर जाइए तो लोग कहते हैं भाई साहब आपको कहीं देखा है, ये नहीं कहते कि भाई साहब आप वही कर रहे हैं क्या, ये नहीं कहते कि आप जी न्यूज़ पे आते हैं क्या, अगर आपने कह दिया कि हाँ सर हो सकता है देखा हो तो अच्छा अच्छा आप आते में आते लगता है, मैं प्यार से अगर कह दूँ तो नहीं सर मैं आते, अच्छा
इंडिया के लिए जी टीवी में कहीं देखा मैंने आपको। तो आप ये सोचिए कि 16 साल के बाद भी आपने कोई नहीं पता है कि आप कौन है, आप क्या करते हैं, क्या बेचते हैं। तो उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना जोर लगाना पड़ेगा, कितनी ताकत लगानी पड़ेगी। तो समाज में बदलाव की प्रक्रिया के लिए बहुत लंबा सफर तय करने के बाद आप समाज में बदलाव की झंडा बढ़ता बन सकते हैं। अगर आप पहले दिन से सोचेंगे मैं झंडा लेके बैठ जाऊंगा तो फिर झंडा ही पकड़े बैठे रहने काम नहीं होगा। और जो आज का विषय मुझे दिया गया है वो है पत्रकारिता का बदलता परिदृश्य। तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। एक पत्रकार की परिभाषा है, आप लोग पूछ रहे पत्रकार हो या पक्षकार हो, पत्रकार हो या पैरोकार हो किसी चीज की, पत्रकार हो या एक्टिविस्ट हो, समझते ना इस चीज का फर्क पत्रकार और एक्टिविस्ट का। पहले कहा जाता था जब हम पढ़ रहे थे कि पत्रकार जो है उसका कोई देश नहीं होता, उसकी कोई सीमाएं नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसकी कोई जाति नहीं होती। एक एपिसोड हुआ एक दिन बीच में टीवी पर, एक इंटरव्यू करना था मुझे असदुद्दीन दिन वैसे साहब का, उनका बहुत शौक रहता सब लोग और आते जाने क्या बोल रहे। पहला मौका था बिहार चुनाव में, उन्होंने तय किया था कि वो एक इलाके में अपने उम्मीदवार उतार। तो हमने उनको इंटरव्यू करने के लिए लाइव पे बैठाया। अब लाइव में तो कोई संभावना नहीं होती कि आपसे कुछ हो गया तो आप काट देंगे या रोल बैक कर लेंगे या दर्शक से छुपा लेंगे, जो चलता है वो चलते चला जाता है। तो हुआ यूँ कि मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे उनके भाई के बयानों को लेकर, उन्होंने कहा कि आपके भाई अगर ये कहते हैं 15 मिनट के लिए हिंदुस्तान से पूरी सटा दो फिर हम बताते हैं हिंदू वक्त क्या है। अगर आपके भाई ये कहते हैं कि आपके भगवान राम की माँ का आचरण जो था वो सवालों के घेरे में, तो आपको लगता है कि हिंदू वोट देगा, क्यों देगा? अब या तो आप बता दीजिए कि आप केवल एक धर्म का वोट देने के लिए बैठे, तो उस पर काफी नाराज हो गए, जोर-जोर से बोलने लगे। और जोर-जोर से बोलते बोलते उन्होंने कहा कि तुम एक पार्टी की तरफ से बोल रहे हो, तुम राम का नाम ले रहे हो, तुम बीजेपी के प्रवक्ता हो क्या? मैंने कहा भाई साहब एक मिनट रुकिए पहले, कि राम का नाम मतलब बीजेपी की ठेकेदारी है क्या? भाई मैं तो जब से पैदा हुआ तब से मेरे घर में राम की पूजा हो रही है। मैं तो आज भी जाने अनजाने सुबह उठ के जब घर से निकलता हूँ अपने दफ्तर के लिए तो मंदिर में जाता हूँ, नमस्कार करता हूँ, ठीक है पूजा पाठ नहीं करता हूँ लेकिन नमस्कार करता हूँ चलने से पहले भगवान को, तो वहाँ राम की मूर्ति रखी है और राम की फोटो लगी है। फिर मैं कार्यकर्ता हो गया क्या बीजेपी का? नहीं भाई, मेरा धर्म है और मैं धर्म को मानता हूँ, और अगर मेरे भगवान का आप अपमान करेंगे तो आप मेरे से कैसे उम्मीद करते हैं कि मैं आपको वोट दे दूँ? या फिर मान के चलिए कि आपको मेरा वोट नहीं चाहिए, आप केवल अपने धर्म के लोगों का वोट लेंगे। वहाँ बात खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद उन्होंने सोच, हमने कहा कि पत्रकार का धर्म कैसे हो सकता है? अरे मैंने कहा भाई सांसद टोपी भी लगाएगा, सांसद दाढ़ी भी रखेगा, सांसद कपड़ा भी ऐसा पहनेगा जिससे उसका धर्म सबसे पहले दिखाएगा, वो पत्रकार का धर्म नहीं होगा। क्यों? सांसद तो हर धर्म जात समुदाय से ऊपर है, उसको सबका वोट चाहिए, तो उसको तो मुझसे पहले सेक्युलर दिखना जरूरी बनता है। आप हटाइए अपने नाम के आगे से सरनेम, आप हटाइए अपना नाम ऐसा जिससे धर्म का पता लगता हो, आप बदलिए अपना हुई जिससे धर्म का पता लगता हो, तब मुझसे बात कीजिए, मैं भी आपसे बात नहीं करूंगा अपने धर्म की। लेकिन जहां आप चुनावी धर्म के नाम पर लड़ रहे, जहां चुनावी जाति के नाम पर लड़ रहे, जहां चुनावी संप्रदाय के नाम पर लड़ रहे, तो फिर आप मुझे कैसे क्वेश्चन कर सकते कि मैं आपका धर्म नहीं बता सकता? ठीक है तो बता सकता हूं। लेकिन वहां से हमने एक बहस शुरू करी। अब वो बहस ये शुरू की कि क्या पत्रकार देश का नागरिक नहीं है? क्या पत्रकार का देश के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? क्या उसको देश के लिए हो रही चीजों के बारे में सोचना नहीं है? तो फिर ये सवाल आया कि पत्रकार न्यूट्रल कैसे रहेगा? तो न्यूट्रल की परिभाषा क्या, तटस्थ हो कि निष्पक्ष हो? एक तो हुआ तटस्थ, तो भाई साहब मेरी आंख बंद है, मेरी नाक बंद है, मेरे कान बंद है, उसके बावजूद मैं जो कुछ फैक्ट्स इकट्ठे कर रहा हूं अपनी मर्जी से इसलिए एक तरफ का उठा के दूसरी तरफ से तटस्थ रहते हुए दर्शकों के सामने रखते हैं। तो देखो कि मैंने तो तटस्थ काम और एक निष्पक्ष
जो जाता है सब कुछ देखता है, जांचता है, परखता है, महसूस करता है, सोचता है, उसपे समझता है, उसको उसमें से तय करता है सही क्या है, और फिर आपको बताता है कि ये सही है मेरे साथ, और उसमें आप डिसाइड करते हैं कि अगर ये सही है तो आप इसके साथ हैं या नहीं है। तो तटस्थ होना बेहतर हुआ या निष्पक्ष होना बेहतर हुआ? वो तटस्थता अच्छी है जिसमें हम एक तरफा चीजें रखते रहे किसी के सामने, या वो निष्पक्षता अच्छी है जहां हम ये तय करें कि भाई कहां पे लाइन ड्रॉ करनी है, कहां चीजें बेहतर है, कहां चीजें खराब है, और ये दर्शक को हमें बताना है। आखिर हम उसकी ताकत भी तो बनने का काम कर रहे हैं, आखिर हम उसे जानकारी भी तो मुहैया करा रहे ताकि उसका आत्मविश्वास बढ़े, आखिर हम उसे मजबूत भी तो करना चाहते हैं। तो ये हमें तय करना है कि हम तटस्थ है या निष्पक्ष है। हो सकता है हमारे टीचर्स जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखें, लेकिन आप जब कल को जाएंगे 3 साल के बाद या 5 साल के बाद मीडिया में काम करने के लिए, तो आप यकीन मानिए इस चीज़ से आपकी बड़ी लड़ाई होगी, मैं तटस्थ हूँ या निष्पक्ष हूँ। तो इसलिए आज ही से इस पर सोचना शुरू कीजिए, जाइए जिधर भी लेकिन सोच समझ के। ये पत्रकारिता के परिदृश्य में एक बहुत बड़ा बदलाव आज की तारीख में आ रहा है। दूसरी बड़ी चीज, बहुत से लोग आपके कहेंगे कि पैसे खराब कर रहे हो, क्यों आ गए एमबीबीएस में, कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, बकवास ऐसा नहीं। बाहर से जब आया तो मुझे लगा हॉल भरा हुआ है, तो मैं यहाँ खड़ा हुआ तो मुझे पता लगा नहीं काफ़ी सीटें खाली हैं। यही हाल जो है ना टीवी चैनल्स और अखबारों का, बाहर से आप देखें ऐसा लगता है कोई जगह नहीं, लेकिन जब आप सही तरीके से एकजुट होकर सही तरीके से पढ़ के समझ के अपनी बुद्धि को पॉलिश करके पहुँचते हैं वहाँ पर, अपने व्यक्तित्व को पॉलिश करके पहुँचते हैं वहाँ, तो आपके लिए कुर्सियाँ हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे दफ्तर में पहली लाइन और दूसरी लाइन भले ना खाली, ये बीच की कई लाइनें खाली हैं आप लोगों, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग उस लाइक, हम जब वहाँ बात करने के लिए बैठते हैं, लोगों को इंटरव्यू करने के लिए बैठते हैं, तो हम किसी से ये पूछते थोड़ी कि तुम्हारा सरनेम क्या है, हम थोड़ी पूछते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है, हम तो ये पूछते हैं तुमने पढ़ा क्या, हम तो ये पूछते हैं कि भाई तुम्हारी भाषा में पकड़ कैसे, हम तो ये पूछते हैं कि हिंदी अंग्रेजी दोनों में मेहनत हो या नहीं हो, अगर नहीं हो तो कम से कम हिंदी में हो, हिंदी अच्छे से जानते हो, हिंदी लिख पाते हो, हिंदी बोल पाते हो, हिंदी में चीज़ें प्रस्तुत कर सकते हो, आदमी वही मार खा जाता है, फिर वो वापस लौटा दिया जाता है, तो बाहर आके ये मैसेज होता है कि ऐसा नौकरी नहीं है मीडिया में, क्योंकि ऐसा नहीं है। और न केवल मीडिया, टीवी चैनल्स और अखबारों में नौकरियाँ हैं, आज आपके पास इतने सारे स्ट्रीम्स हैं जो एक्सप्लोर ही नहीं हुए, डेवलपमेंटल जर्नलिज्म अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं हुए हमारे यहाँ। खेती किसानी की पत्रकारिता में इतनी गुंजाइश है कि अगर 10 किसानों की जिंदगी आपकी वजह से बदल जाती है, 50 किसानों की जिंदगी आपकी वजह से बदल जाती है, तो आप समझ सकते हैं आप कहां पहुंच जाएंगे। लोग छोटे छोटे अखबार निकाल के, छोटे छोटे जर्नल्स निकाल के, छोटे छोटे रेडियो स्टेशन चला के, छोटे छोटे सिटी चैनल्स पर प्रोग्राम चला के एम्पावरमेंट का काम करते, और ऐसा नहीं कि उसमें पैसा नहीं है, आपको जितना घर चलाने के लिए पैसा चाहिए उससे बेहतर पैसा उसमें भी मिल जाए। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मैं लैंड करूँगा यहाँ से डिग्री लेके और सीधे पैराशूट से जीरो के दफ्तर में उतरूँगा तो बेचारे कैसे हो, तो वो आप वेट कर लोगे दरवाजे से मेरा, और आते ही कहेंगे कि ये 50,000 रुपये महीने का तुम्हारा ऑफर लेटर है कल से ज्वाइन करूँगा, तो ऐसा नहीं है। आप जाएंगे, ज्वाइन करेंगे अगर आपने काबिलियत, ज्वाइन करने के बाद अपनी उस काबिलियत को साबित करेंगे और कुछ समय में सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के उस जगह तक पहुंचेंगे जहां आप पहुंचना चाहते थे। सोशल मीडिया में इतनी सारी स्कीम है, अभी मैं जब मिला वो नबार्ड टाइम्स ऑनलाइन में काम कर रहा हूँ, उस साल पहले तक किसी ने सोचा था कि भी ऑनलाइन अपने आप में अलग बिजनेस हो जाए। आपको पता है कि आज की तारीख में हमारी और आपकी उम्र के लोग जो है वो टीवी देखते ही नहीं, टीवी देखना ही चाहते, टीवी देखने की फुर्सत ही नहीं है, होगी कैसे आप बताओ। आपके टीचर आपको रोज कहते हैं कि आधा घंटा अखबार पढ़ा, ईमानदारी से बता दो कितना आदमी ईमानदारी से अखबार पढ़ता है, देख लो देख लो। मुझे पता है ना कि जीवन कितना कठिन है, और बताओ उसमें से अखबार भी पढ़ लो। सुबह उठने से लेकर रात तक तो फाइट चल रही है, सुबह उठते ही आदमी परेशान की टाइम पे क्या जाना है, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा,
तो पहन के जाना वही प्रेस नहीं है, बाकी सब प्रेस कर। उसके बाद जाना कैसे है, अकेले जाऊं कि किसी दोस्त के साथ जाऊं, किसको साथ लेके जाऊं, किस रास्ते से जाऊं कि जहां जाम नहीं मिले, और फिर टाइम से पहुंच जाऊं तो पहुंचते पहले दुआ सलाम करनी है सबसे, चाय पीनी है आधा घंटा लगा के, थोड़ा दोस्तों से हालचाल बांटना है, फिर एक आध दो क्लास अटेंड करनी है, फिर ब्रेक ले लेना है क्योंकि थक भी गए हैं, दो क्लास लगा लिया, फिर उसके बाद दो क्लास किसी तरह से पार करनी है, फिर दोस्तों के साथ घूमना टहलना है, तब तक पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है, घर में माँ बाप ने भी दो चार काम तैयार रखे होते हैं, आप बात इतनी देर हो गया पुराना, अब कहाँ से पढ़ना है, थोड़ा कल देखेंगे। तो भाई जब आपके पास अखबार पढ़ने का टाइम नहीं है तो टीवी देखने का भी टाइम नहीं है, और टीवी देखने की अगर फुर्सत निकली है तो पिक्चर देखेंगे, पसंद का सीरियल देखेंगे, आने वाली फिल्मों के ट्रेलर देखेंगे, हम उसमें भी समाचार सुनने बैठ जाओ, माथा खराब कर रहे दिन भर की थकान के, कौन करता है ऐसा। तो आज की जो जनरेशन है वो तो सारी शिफ्ट हो गई अपने स्मार्टफोन पे, सारी खबर वो लेना चाहती है अपने मोबाइल न्यूज ऐप से या फिर ट्विटर और फेसबुक से, टीवी चैनल अपनी खबर का हर 5 मिनट में 2 मिनट का लिंक डाल दिया, तो पिछले 2 मिनट में ये हुआ आपको मिस कर, आपको पूरा आधे घंटे का मीटिंग देखने की जरूरत है, पूरा 1 घंटे का डिबेट देखने की जरूरत है, आपने जाना उसमें न्यूज आप खोलना, हाईलाइट्स में जाना, जो देखना उसको क्लिक करना, 3 मिनट का देखा बरसते आपको समझ भी आ गया क्या हुआ, ज़्यादा बात हुई तो टेक्स्ट में हेडलाइंस पढ़ ली, आपको पता लग गया कि आज दिन भर में क्या क्या हुआ। तो जब ये सारी ताकत आपके हाथ में आ गई तो टीवी चैनल की और अखबार की तो मजबूरी है, तो जब उसको आना है तो जो मीडियम उसको चलाने के लिए होनी चाहिए, वो लोग कहाँ से आएंगे, वहीं से आएंगे ना, हम लोगों के बीच में से कोई अलग, अमेरिका इंग्लैंड से तो अपन इम्पोर्ट करेंगे नहीं आदमी, यहीं से करेंगे, यही लोग काम करेंगे, तो यहाँ पर भी बहुत सारा स्कोप पड़ा हुआ अभी तक जो अनएक्सप्लोर्ड है, आप पूछो अपने सीनियर से तो आपको बताएंगे, क्योंकि जितने लोग आते हैं वो इसीलिए छट जाते हैं, उनको लिखना नहीं आता, इंसान यही बर्बाद करके चले जाते घूमते घूमते, लेकिन लिखना नहीं सीखा, अगर यही बैठ के थोड़ा सा समय लगा चिट्ठियाँ लिखना शुरू कर दो, एक दूसरे को नहीं अखबारों को सब बात वेबसाइटों के लिए लिखो, अपना ब्लॉग शुरू करो, अपने ब्लॉग्स पे लिखो, और कुछ नहीं लिखते मन की बातें लिखो, जरूरी थोड़ी कि मोदी जी करेंगे मन की बात, आप तो भी करो, अपने मन की बात लिखो, अपने दोस्तों से शेयर करो कि भाई ये मेरा ब्लॉग है, आप लोग लिखिए इस पर कॉमेंट कीजिए। अब मैं आपको बताऊँ मेरे दोस्तों के ऐसे ऐसे ब्लॉग्स और ऐसी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने कभी ब्लॉगिंग से शुरू किया था 5-7 साल पहले, जब कोई जानता भी नहीं था ब्लॉग का, तो हम कहते थे यार क्या पागल आदमी है, अपना लिखते रहता भाई, इसका कोई पढ़ने आता है, अपने ही लिखते चला जाता और पोस्ट करते जाता और खुश होते रहता कि देखो मेरा छप गया, भाई तू ही चला रहा है, तू ही लिख रहा है, तू ही छाप रहा है, तो छप क्या गया इससे। लेकिन आज मैं देखता हूँ 80,000 हिट्स हो गए, 1,00,000 हिट्स हो गए, स्पॉन्सर आ गया, वो कहता भाई साहब आपके 1,00,000 हिट्स हैं, मैं अपने ऊपर बैनर लगा दूँ क्या, इसके लिए मैं आपको 30,000 रुपये महीने के दे दूँगा। वो आदमी कुछ नहीं कर रहा, वो वही अभी भी अपनी मन की भड़ास लिख रहा है, लेकिन उस बात के एक स्पॉन्सर उसको 30,000 दे देगा, फिर दूसरा स्पॉन्सर आता है, फिर तीसरा स्पॉन्सर आता है, फिर वो ब्लॉग से चैनल हो जाता है, उसकी व्यूअरशिप बढ़ जाती है, उसकी लीडरशिप बढ़ जाती है, उसके हिट बढ़ जाते हैं। तो वो कैसे हुआ, मन की बात लिखते लिखते हुआ, तो इतने सारे रिव्यूज पड़े हुए इसके अंदर, लेकिन हम लोगों ने एक्सप्लोर ही नहीं किया कभी, तो हम इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर एक बड़ा एवेन्यू जो भी अनएक्सप्लोर्ड है जिसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक्सप्लोर करने, वो ये है कि सुबह अखबार खोल भी लो गलती से या टीवी खोल भी लो गलती से, तो पता लगता है यार देश रहने लायक है भी कि नहीं, सब तरफ बलात्कार हो रहा है, सब तरफ छेड़छाड़ी हो रही है, सब तरफ मारपीट हो रही है, कुछ अच्छा भी है कि नहीं इस देश में, तो पॉजिटिव जर्नलिज्म इज मच नीडेड। आज की तारीख में हम लोग सड़क पे चल रहे हो, लड़ाई झगड़ा तो मैं फटाक से देखता हूँ कि उसमें खबर है, कोई अच्छा काम कर रहा हो हमारा ध्यान नहीं लगता, चल पागल आदमी कर रहा हो, लेकिन अगर आप सोचो कि समाज में कुछ लोगों को हम चिन्हित कर लें, ढूंढे ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये पॉजिटिविटी ला रहे हैं समाज में, इनको ही होना चाहिए भाई, उनको थोड़ी तो देश के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, उनको थोड़ी जो सोशल मीडिया पे लश्कर तैयबा का प्रचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को ही होना चाहिए ना असली, तो उनको पहचानना चाहिए देश और समाज को कि भाई ये देखो ये आदमी है, ये अच्छा काम कर रहा है, इसने एक काम किया जिसकी वजह से इसके आसपास के एरिया में कम से कम 100-200 परिवार हैं जिनको बड़ा फायदा हो, इन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया रेन वाटर हार्वेस्टिंग का,
अब जब बरसात आती है इनकी गली में पानी नहीं इकट्ठा होता। ये हर बार बेचारे चिट्ठियाँ लिखते थे एमसीडी को जा जाके, हर बरसात में इनके साथ यही होता था, तीन दिन बच्चों को छुट्टी करानी पड़ती थी, एक दिन खुद दफ्तर नहीं जा पाते थे, और जब जाते भी थे तो ब्रेक के जाते थे कीचड़ में से होते हुए, गाड़ियाँ खराब हो जाती थी हर बरसात में। अब इन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया, 300 फैमिलीज को ये वहाँ से पानी की भी सुविधा प्रोवाइड करवा रहे हैं जब वाटर कट लगता है उसमें, और बरसात के दिनों में भी देखो अब वहाँ सोसाइटी में कोई गंदगी नहीं होती। क्या ये अच्छी चीज़ नहीं है? क्या ऐसी चीज़ों को टीवी पे नहीं आना चाहिए? क्या ऐसी चीज़ों को अखबार में नहीं छपना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को असली हीरो नहीं होना चाहिए? लेकिन हमारे पास जब हम लोज फॉर न्यूज़ डेवलप करते तो ऐसी चीज़ों के लिए अपनी सेंस डेवलप नहीं करते। हम डेवलप करते पति पत्नी का झगड़ा हो गया, परिवारों में मारपीट हो गई, पार्किंग को लेकर विवाद हो गया, इन्हीं चीज़ों पर हमारा ध्यान। तो हमें इस चीज़ के लिए भी एक लोज डेवलप करनी है, एक न्यूज सेंस डेवलप करनी है कि समाज में कुछ अच्छा हो रहा है तो उस पर भी हमारा ध्यान जाए, उसको भी हम खबर बना सकें, उसको भी जिसको कहते हैं ना बेच सके, यहाँ से मैंने शुरू किया था कि साबुन तेल गंगा बेचना है, तो उस खबर को भी हम बेच सकें, उस खबर के भी खरीदार हैं, लोग देखना चाहते हैं समाज में कुछ अच्छा हो रहा है, लोग जानना चाहते हैं कोई कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसकी मदद करने के लिए अगर जरूरत है आने की तो आ जाए। आपको पता है कि अभी हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं हमें लगता है यार कोई सपोर्ट तो करता नहीं समाज, मैं आपको लेकिन सच बता रहा हूँ अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ, हमने कोई पॉजिटिव स्टोरी चलाई हो टेलीविजन पर और बिना मांगे उसकी मदद के लिए 10-50 लोग आके खड़े रहे, लोग खुद से फ़ोन करते हैं, ईमेल करते हैं कि मैंने आपके चैनल पे एक प्रोग्राम देखा था, एक लड़की जो है कानपुर में वो सोलर लालटेन बना रही है, हम उसकी मदद करना चाहते हैं। आपको पता है ये खबर प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में भी मेंशन की, और जब हमने वो खबर फिर से चलाई तो भाई ये पीएम ने अपने मन की बात में मेंशन किया, हमने कुछ दिन पहले दिखाया था, तो लड़की बहुत खुश है कि उसके काम को नोटिस किया गया। कम से कम 50 ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम एक प्लांट लगाना चाहते हैं जिसमें कि ये जो महिला काम कर रही है वो बड़े पैमाने पर हो सकते। अब बताइए वहां पर लोग बन गए कि नहीं बन गए? एक लालटेन बनाते हुए अपनी झोपड़ी में रहते हुए नाव शिविर पे नाते हुए एक महिला साउथ की रहने वाली बिहार की रहने वाली, वो गांव में चुनाव में जो राजनीति होती है उससे बड़ी परेशान त्रस्त, क्योंकि उसका पति नहीं था, और दूसरी बड़ी बात कि विधवा होने की वजह से उसको कहना था कि उसका कहना था कि तमाम लोग जो है ये समझते थे कि शीज अवेलेबल कोई भी आके ट्राई कर सकते, तो उसको था कि भाई मैं अगर अपने पैरों पे खड़ी होगी तो कम से कम कोई मेरी तरफ दया दृष्टि से नहीं देखेगा, कोई मुझे इस्तेमाल करने के बारे में नहीं सोचता। उसने क्या सुन लिया, उसके गांव के जो विधवा होते थे उनके साथ उसके अचार नहीं होते, आज की तारीख में उसका अचार विदेशों में एक्सपोर्ट होता है, और वो इतनी बड़ी एंटरप्रेन्योर है तो साइकिलों पर जाती रही अचार बेचने के लिए अगर नदी के गाँव में दूर दूर तक, लेकिन अब उसका वो कुटीर उद्योग इतना बड़ा हो गया, अब वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाती है भाषण देने के लिए, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में जाती है पढ़ाने के लिए कि जब आप कोई अपना छोटा काम शुरू करें तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, उनको दूर करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि शीज़ अ हीरो? क्या आपको नहीं लगता कि लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि हमारे समाज में इतने सारे ऐसे लोग हैं जो उसके बारे में जानेंगे तो उनको पता लगेगा कि हमारे भी ताकत है, हम भी कर सकते हैं कुछ काम, हम भी अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं, हम भी कोई नया धंधा पानी चला सकते हैं, आइडियाज की तो कमी है नहीं। तो जरूरत है कि हम लोगों में वो न्यूज सेंस हो कि हम ऐसे लोगों को, ऐसी घटनाओं को, ऐसी चीजों को पहचाने, और पहचानने के बाद उनको प्लेटफॉर्म दिलाएं जिसके वो हकदार हैं। और आपको सच बता रहा हूं, अगर आप सोच के आए हो कि मैं क्रांति ला दूंगा, मैं बदलाव ला दूंगा पत्रकार वृत्ति, मैं तो पता नहीं क्या कर दूंगा, तो यकीन मानो ऐसी चीजें जब करोगे ना तो आप पता नहीं क्या करोगे। आप यकीन मानो कि आने वाले 15-20 साल के बाद जब आप कहीं ऐसे खड़े होंगे तो आपके पास बताने को 10 एग्जांपल होंगे कि मैंने तो ऐसा करवा दिया, मेरी एक खबर ने इतना बदलाव है। मेरे पास ऐसा हालांकि कोई उदाहरण नहीं है मैं आपको सकता, क्योंकि मैं जिस परिस्थिति में काम करते हुए आया वहां तो हम अपने पुराने जो नियम कायदे कानून बने वो भी करते रहे, अब हमारी ये कहने की हिम्मत हुई और आता है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी से कहें कि थोड़ा पॉजिटिव भी सोचें, थोड़ा सा बेहतर भी सोचो, थोड़ा जो समाज में अच्छा हो रहा उसको भी देखो। तो ये सारी चीज़ें आज के बदलते दौर में, पत्रकारिता के बदलते परिदृश्य में
अभी अनटच्ड है। ये सारी वो जगह है, सोशल मीडिया, पॉजिटिव जर्नलिज्म, डेवलपमेंट जर्नलिज्म, जहां अभी तक कोई जाता नहीं है। और एक कहानी है ना, तो आप भी जाते हैं जूता बेचने के लिए एक जगह पर, सेल्समैन होते हैं दोनों, तो दोनों वहां पहुंचते हैं, वहां देखते हैं कोई जूता ही पहनता, एक आदमी वापस फोन करता है अपनी कंपनी में, बोला भाई साहब कहाँ भेज दिया, कोई जूता तो पहनता नहीं है, ऐसे ऐसे करवाने भेज देंगे यहाँ, मैं वापस आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है भाई, आ रहा है। दूसरा आदमी फोन करता है, बोला भाई साहब कहाँ भेज दिया, यहाँ तो धंधा ही धंधा है, और जूते भेजो, यहाँ तो किसी को पता ही नहीं जूता नाम की चीज़ भी होती है, इनको भेजेंगे जूते अपन आराम से। जब अपने अंदर आ जाएगी ना, यहाँ तो किसी के पास जूते है ही नहीं, तो इनको हम बताएंगे जूते रहने से कितना फायदा होता है, तो उस दिन आप इस पत्रकारिता के बदलते परिदृश्य का फायदा उठा पाने की स्थिति में होंगे एक्चुअली। तो अपने को उसके लिए तैयार कीजिए, बजाय ये सोच के परेशान होगी पता नहीं नौकरी मिलेगी या नहीं, सब मिलेगा, और नहीं मिलेगी तो अपना काम शुरू करो, नहीं मिलेगी तो अपना ब्लॉग निकालना, नहीं मिलेगी तो अपना ये सब करना शुरू करना। दो तीन साल में जब तक आप पास आउट होंगे, यूट्यूब छोड़िए आपको फेसबुक ताकत दे देगा, आज उसने लाइव शुरू कर दिया, आप लाइव जा सकते हैं फेसबुक पे, आप देखिएगा कुछ दिन में फेसबुक आने वाले दो तीन साल में न्यूज चैनल की भी सुविधा देगा, और फिर वो आपकी ताकत होगी, क्योंकि आप जहाँ पे है वहां से न्यूज लाइव करेंगे ना, और आपके पास कोई बंधा हुआ दर्शक वर्ग नहीं होगा, अरबों लोग होंगे जो आपको देख रहे होंगे, वो आपकी ताकत होगी। इसलिए जो कन्वेंशनल माध्यम है उनके अलावा नॉन कन्वेंशनल माध्यमों के लिए भी खुद को तैयार करना शुरू कीजिए, क्योंकि भविष्य उसमें बेहतर है। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ। किसी के मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आपको लगता है अंधकार से रास्ता आप निकालना चाहते हैं तो अंधकार से निकालिए, अगर आपको लगता है रोशनी से रास्ता निकालना चाहते हैं, मेरा कहना है कि आप काला रंग करके मेरी आवाज चला के अगर ये साबित कर रहे हैं कि ये गलत कर रहा है, तो मेरी शक्ल दिखाइए ना, तो डरते क्यों हो, दिखाइए कि ये आदमी है, ये देश को मान, इसकी वजह से दंगे हो रहे हैं, इसकी वजह से सब बर्बाद हो रहा है, वरना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बड़ा सम्मान था, मैं तो कोई जानता नहीं मैं कहाँ से अपमान कर रहा हूँ, तो इसलिए ये अपने अपने माइंड सेट की बात है, अपनी अपनी सोच की बात है, इसलिए लगा उनको लगा काला करना चाहिए, उन्होंने काला किया, बातों को लगता है कि टीवी के इतिहास में देश दुनिया में ये अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, उनकी सोच है। मेरा नाम कफील अहमद है। तुम दौरान कौन हो? एक एक करके पूछ लीजिए। सर मेरा नाम कफील अहमद है, और हम बात कर रहे हैं पत्रकारिता के बदलते परिदृश्य की। सर आजकल देखने में आ रहा है कि पत्रकारों में ही आपस में आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, और तो सर आपको क्या लगता है कि